प्रदेश के जबलपुर में युवती को गोली मारने की सनसनी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बरगी रोड नर्मदा पुल पर गोली मारकर युवती की हत्या करके शव को कार में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं कार में पुलिस ने एक न्यूज पोर्टल की माइक आईडी और एक पिस्टल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवती की पहचान कर ली गई है। युवती रामपुर की रहने वाली है। वहीं जबलपुर पुलिस अब मामले का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर युवती को गोली क्यों मारी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये शाम को करीब 6 बजे यहाँ पे चौकी प्रभारी गौर भ्रमण पे थे, तो उनने देखा कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जिसमें गाली पिट लगी है। तो उसमें उसको खोल के देखा गया तो एक लड़की, जिसकी बाद में शिनाख्त अनीबा केवट के नाम से हुई है, उसकी बॉडी यहाँ पाई गई है। और इसमें FSL टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट फोटोग्राफर सभी को बुलाया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और जांच कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही पता कुछ चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। कहाँ की रहने वाली, क्या काम? ये रामपुर की रहने वाली है, पेटीएम कंपनी में काम करती थी। और अभी तक बॉडी में एक गनशॉट वुंड मिला है। अब डिटेल, अभी जांच होगी मेडिकल में, तब क्लियर होगी। मैडम, कोई माइक आईडी भी मिली है क्या है? एक आज तक 24/7 का माइक मिला है और आईडी मिली है बादल पटेल के नाम की। उसका फ़ोन भी मिला है, उसमें जांच की जा रही है, इनके बारे में पता किया जा रहा है, तो जांच कार्रवाई में क्लियर होगा। अभी तो यहाँ जो मंगेली ब्रिज है इस पे बॉडी मिली है, क्लियर होगा बाद में, तो उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी।